जैसा कि हम सब जानते हैं, हेल्दी फूड आजकल हमारी ज़रूरत बन गया है। तो आशा स्पाइसेस आज शेयर कर रही हूँ सूजी ढोकला की रेसिपी। इसमें हमने खूब सारी सब्जियों को ऐड करके इसको और भी हेल्दी बना दिया है। ब्रेकफास्ट या स्नैक्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट ऑसम टेस्ट वाला ये ढोकला बनाना बहुत ही आसान है, और बिना इनो के भी ये बिल्कुल फ्लफी स्पॉन्जी और जालीदार बनकर तैयार होता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वेजिटेबल सूजी ढोकला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप बारीक सूजी या रवा। डाल देते हैं इसमें 1 कटोरी या 1 कप के लगभग दही। दही यहाँ पर मैंने बिल्कुल खट्टी वाली दही का यूज़ किया है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही वाले बोल में ही मैंने ले लिया है 1/4 कप के लगभग पानी, और इसे भी इसमें डालकर बिल्कुल अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे, और 10 से 15 मिनट तक इसे ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट के बाद हम इस मिक्सचर को लेते हैं, और आप देख सकते हैं सूजी फूलकर बिल्कुल दुगना हो गया है, क्वांटिटी में डबल हो गया है और बहुत गाढ़ा हो गया है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के लगभग थोड़ा सा और पानी। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं 1/2 छोटा चम्मच के लगभग नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 इंच घिसी हुई अदरक, 1 कटोरी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 1 गाजर घिसा हुआ, 1/2 कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच के लगभग बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, और 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच चीनी का, और इन सबको अच्छी तरह से इसी बॉल में मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट बैटर बनाने के लिए यहाँ पर ये थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, तो मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के लगभग थोड़ा सा और पानी। इसे भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। आप चाहें तो इस वक्त इनो का यूज़ कर सकते हैं 1 छोटा चम्मच, लेकिन मैंने यहाँ पर बिल्कुल खट्टी दही का यूज़ किया है, तो हमें इनो की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब ले लेते हैं एल्युमिनियम का 1 केक टिन, जिसे थोड़े से रिफाइन ऑयल के साथ अच्छी तरह से हम ग्रीस कर लेते हैं, और इसमें डाल देते हैं जो सूजी और सब्जियों का जो बैटर हमने तैयार करके रखा है उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं, और इसे हम टैप कर लेते हैं ताकि ये कहीं से भी खाली ना रहे। और अब इसे हम स्टीम कर लेंगे, जिसके लिए मैंने एक स्टीमर में पानी मीडियम फ्लेम पर बॉयल होने के लिए पहले से रख दिया है, और इसमें हम डाल देते हैं हमारा केक टिन और इसे ढक देते हैं। ढक कर 12 से 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे स्टीम कर लेंगे। 12 से 13 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा लेते हैं और एक नाइफ़ की हेल्प से इसे हम चेक कर लेते हैं। नाइफ बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब ये अच्छी तरह से स्टीम हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेते हैं और इसे हल्का सा ठंडा कर लेते हैं। हरे किनारे हल्का सा नाइफ लगाकर हम इसे प्लेट में डिमोल्ड कर लेते हैं। स्टील या एल्युमिनियम के किसी भी बर्तन में इसे स्टीम कर सकते हैं। और अब ले लेते हैं एक नाइफ, जिसकी हेल्प से इसे हम छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में काट लेते हैं। बहुत ही हल्का और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है ये ढोकला। अब इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड कर देते हैं, इसको तड़का लगा लेते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 तड़का पैन। मीडियम फ्लेम पर इसमें हम 1 बड़ा चम्मच रिफाइन ऑयल डालकर गरम करते हैं। जैसे ही गरम हो जाए डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच राई के दाने या सरसों के बीज, और इसे हम थोड़ा सा कड़कने देते हैं। इसके दाने अच्छी तरह से फूटने लगे, इसमें डाल देते हैं 2 हरी मिर्च कटी हुई और कुछ करी के पत्ते कटे हुए, और कुछ सेकंड तक थोड़ा सा और सॉटे कर लेते हैं। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इस तड़के को हम डाल देते हैं ढोकले के ऊपर। अब ये सूजी का ढोकला बनकर बिल्कुल तैयार है। ऑफ कर लेते हैं। बिना प्याज वाली हरी चटनी मैंने बना कर रखी थी उसके साथ, या आपके पसंद के किसी भी चटनी या केचप के साथ आप सर्व कर सकते हैं, और गार्निश कर लिया है थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्तों के साथ। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्का फ्लफी स्पॉन्जी जालीदार ढोकला बनकर बिल्कुल तैयार है, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। दोस्तों, उम्मीद है मेरी बनाई हुई हेल्दी टेस्टी वेजिटेबल सूजी या रवा ढोकला की ये रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और बाकी की रेसिपीज भी अच्छी लग रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी अपकमिंग रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और हाँ, अपने फीडबैक मुझे कमेंट में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।